told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up. Hello everyone, I hope doing absolutely fine, guys. मैं हूँ कोस्ट आपका दोस्त. ले आओ आपके लिए कौन टॉपिक है और क्या ना वीडियो. Now watching your my YouTube channel. So guys, आप देख सकते हो मैं हूँ इस समय आपकी पुरानी यादों को लेके यामाहा RX 100. और इसको जो है मॉडिफिकेशन तो इसमें ना की बराबर है, इसको किया है एक तरीके से रीस्टोर. तो पहले मैं इसको लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है और कैसी बनी है. देखो, यानी कि अगर आप लोगों के पास भी है इस तरीके की बाइक और आप उसको कराना चाहते हो रीस्टोर, तो आप करा सकते हो इजीली. ये देखो, और आपके लोगों की जानकारी के लिए बता दूं गाइस, ये जो बाइक है ये है करीब 23 से 24 साल पुरानी. जी हाँ, यानी कि 24 साल पुरानी ये बाइक है और इसकी कंडीशन देख के कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये 24 साल पुरानी है. और जैसे कि आप जानते हो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो सब लोग जानते हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों को लगता है कि ये डायरेक्ट शोरूम से मैं डायरेक्ट यहाँ पर लाया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ इसकी. आप पेंट देख सकते हो उसका. ये देखो, जिन लोगों को मॉडिफिकेशन नहीं पसंद है, जिनको सिर्फ और सिर्फ रीस्टोर करानी है, डिसेंट बनाना है, अपनी पुरानी बाइक का डिज़ाइन जो दिमाग में भी नहीं है उनके, वो हम आपको करके दे देंगे. ये ज़रूरी नहीं है आपके पास RS 100 हो, आपके पास कोई बुलेट है, इलेक्ट्रा है, या कोई बाइक है आपके पास जो सड़ रही है घर के आगे, सड़ाओ मत, उसको ले आओ इधर शॉप पर. बताओ कैसा मॉडिफाइड कराना है. अगर उसका लुक चेंज करना है तो लुक चेंज कर सकते हो. और अगर आपको ओरिजिनल वाले लुक के साथ जाना है जैसे कि आप दे सकते हो, तो वो भी हो सकता है. जैसे कि आप यहाँ से देखोगे तो इस पर देखो इंजन पे पेंट वगैरह किया गया है मैट फिनिश के साथ. अगर आप पास से देखोगे तब पता चलेगा. ये देखो, यहाँ से देखो, और जो इसमें लैग गार्ड आता था, जो क्रैश गार्ड जो भी कह सकते हो उसको, तो ये भी एज इट इज़ वही सेम टू सेम यहाँ पर लगा रखा है. ये देखो, एलॉय व्हील्स देख सकते हो आप. इसको जितने भी ज़्यादा हो सका, यानी कि जो इसके जेन्युइन पार्ट्स थे उनको यूज़ करके ही उनको मतलब एक तरीके से रिस्टोर कर दिया है और लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है. बाकी इस फ्रंट से अगर आप देखोगे ना, तो फ्रंट में जो इसकी हेडलाइट है ये चेंज है. ये कौन सी हेडलाइट है? एवेंजर की. तो ये एवेंजर की हेडलाइट लगा दी है, जो आजकल आपको पता है थार लाइट है, जो काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में रहती है, लोग बुलेट्स पे लगाते हैं, इंटरसेप्टर पे, GT पे. तो ये कुछ इस तरीके से लगा रखा है. ये देखो गाइस, और फोकस भी इसका आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है भैया. काफ़ी माइनर से इसमें जो है मॉडिफिकेशन की गई है, काफ़ी हल्की सी मॉडिफिकेशन की गई है. बाकी ऑल ओवर जो है इसको किया गया, वो किया गया है रीस्टोर. ये देखो आप हर तरफ से देख सकते हो, आप इस तरफ से भी दिखाओ. उसे हटा दूँ उसको, यहाँ से देखो, इधर से दिखाओ. तो ये देखो, एक एक चीज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू है और कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है. बाकी अगर आपके पास किसी और कलर की है तो वो भी सेम कलर हो जाएगा, और आप चाहो तो कलर चेंज कराना है तो वो भी आप करा सकते हो. यहाँ से देखो, अगर बैक साइड से आप देखोगे तो ये भी देख सकते हो आप. बाकी एग्जॉस्ट की साउंड तो मैं आपको सुनाई दूंगा, क्योंकि अगर RX 100 की वीडियो हो और उसमें एग्जॉस्ट का साउंड ना हो तो बेकार है फिर. ये देखो आप, यहाँ से देख सकते हो. और एक बार यहाँ से भी दिखाओ, जो इसका आगे का जो मडगार्ड था, ये देख सकते हो. ये देखो गाइस, तो बात आ रही थी कि अगर विनोद भाई, जैसे अगर कोई कराना चाहता है रीस्टोर, तो किसी भी बाइक जैसे पुरानी होती है ना, RX 100 क्या, घर के बाहर सुजुकी समुराई, सुजुकी शोगन, MAX 100, मेरे पास भी कॉल आया है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करा है लोगों ने कि भैया मेरे पास ये वाली बाइक है. तो कोई सी बाइक लो, अगर आपको ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं, ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है, तो वो ये चीज़ जो सिकंदर भाई ने हमारे बताई है सेम टू सेम ऐसी हो गई. काफ़ी लोग समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ मॉडिफिकेशन का ही है, भाई रीस्टोर भी हो जाता है. लेकिन मतलब प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे डिमांड आती है, आप आए आप शॉप पर, आपने बोला जी हमें मॉडिफिकेशन करानी, तो मॉडिफिकेशन ही करेंगे ना उसको, या अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे. फिर लोग उसमें कमेंट लिखते हैं कि ऐसा कि वैसा कि पसंद नहीं आया. तो भाई ये सब चीज़ें, अब जैसे ये कस्टमर है जिनकी ये बाइक है, उनको इन्होंने सिर्फ इसको रीस्टोर कराया, यानी कि इसका जो असली वजूद था उस वजूद में इसको लिया. यानी कि जैसे एक्चुअल आती थी, जो कि जो आप लोग यूज़ कर चुके होंगे तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि हाँ ये पहले वाली है, ठीक है ना. तो वो भी एक चीज़ है. बाकी अगर आपका कोई और, जैसे मैंने बताया, बुलेट हो, कोई बाइक हो, टू व्हीलर कोई भी हो, उसको रीस्टोर कराना हो, मॉडिफिकेशन कराना हो, उसकी आप चाहो लुक ही बदल सको. अगर हम चाहें तो उसको बुलेट ही बना सकते हैं, लुक लाइक बुलेट. अब इंजन तो देखो बुलेट का लगेगा नहीं, लुक लाइक बुलेट, तो वो चीज़ भी है. बाकी ये अपने असली वाले रूप में काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है. बाकी थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं बाहर और हल्का सा चला के दिखाते हैं कि ये कैसा इसमें लुक आता है जब इस पर बैठेगा तुम्हारा भाई. वैसे अभी तक तो आपने इंटरसेप्टर पे, GT पे देखा होगा, बट अब बैठेंगे इस पर. और मैंने ये फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी इसको चलाया नहीं है, सिर्फ नाम सुना है, तो इसका भी
एक तो बनता ही रहा है छोटा सा, चलाओगे तुम? अच्छा एक बार इसका साउंड सुन लेते हैं कैसा है। अपन क्या है रोड पे निकलते थोड़ा सा रिएक्शन लेंगे कि इस तरीके की मशीन जब बाहर निकलती है तो कैसे रिएक्शन होते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया भी लगेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ इस पर। चलो भाई मजा तो बढ़ा रहा है, फर्स्ट टाइम जो टू स्ट्रोक है ना, जो शुरू शुरू में मैंने आपको साउंड सुनाया था ना, तो वो धुआं इसलिए दे रही थी क्योंकि टू स्ट्रोक बताते हैं कि धुआं देती ही रहती है, क्योंकि उसमें जो है आपका ऑयल भी मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ, जिसका रीजन ये भी रहता है गाइस। एक बाकी जो मजा आ रहा है ना भाई भीड़ में चलाने का, ओए वो अलग ही लेवल का है। भाई साहब सब लोग देख रहे हैं कल तक इंटरसेप्टर और आज अचानक से आ रहा स्टैंडर्ड प्ले। भाई ने ले लिया बुलेट, even when there's no hope you can still go, I never answer to no man I still go 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 hustle hard hustle every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave, to the system I don't wanna be a slave, I've been doing shit my way or the highway, and in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain, you never hear me bitch, nah, I don't complain, just gotta flip the switch and you can go and obtain, anything you want, anything you need, your mind's got the key ingredient, it's belief. तो छोटी सी राइड करने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल जाए कि रोड पर जब इस तरीके की मशीन लेके निकलते हो तो कैसा लुक आता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।